लेकर कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ यूपी संगठन मंत्री धर्मपाल समेत कोर ग्रुप के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, आने वाले समय में यूपी की कुछ सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर जो वहां के विधायक थे वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जिसके बाद में वो सांसद बन गए और वो सीट खाली हो गई, जिसके बाद अब उन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और सबसे अहम सीट उनमें से एक यानी कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद थे लेकिन उन्होंने विधायक थे लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बनके, और वो वहां से चुनाव जीतकर और सांसद बन गए और वो सीट भी रिक्त हो गई है। ऐसे में ऐसी कुछ और सीटें भी हैं उत्तर प्रदेश की, जिन पर आने वाले समय में होना है उपचुनाव, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कल बड़ी बैठक करेगी। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? कल शाम को ये बैठक होगी दिल्ली में, ये बैठक होगी इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष रहेंगे, और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का कोर ग्रुप है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ये सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो 10 विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं, उन सीटों के ऊपर रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि इसमें कई सारी सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए काफी नेगेटिव मानी जाती हैं। बीजेपी की जीत वहां पर ज्यादातर बार हार हुई है, तो ऐसे में बड़ी चुनौती भरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरह से रिजल्ट रहा उसके बाद ये काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा इन विधानसभा उपचुनावों में जीत दर्ज करना, और वो भी ऐसी सीट जहां बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में कभी नहीं मानी जाती है। तो इसको लेकर रणनीति तैयार होगी, चेहरों पर कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, उन सब पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं ये, और 10 सीटें ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीत दर्ज करना बहुत जरूरी है आने वाले चुनावों के लिए भी, एक बड़ा मैसेज देने के लिए, और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र आपका जुड़ने के लिए।